नमस्कार आदाब ससरियाकाल सलाम केमचो, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारी पहली न्यूज मध्य प्रदेश के इटारसी शहर से है। कमरा नंबर 306 में मिजोरम की तीन युवतियों को 104 करोड़ के ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये दिल्ली जा रही थी पर वहां इनके साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गई, जिसकी खबर मिलने पर ये इटारसी में ही उतर गई। रेलवे स्टेशन के पास के सूर्या होटल पर गुरुवार रात कार्रवाई की गई है। हमारी अगली न्यूज इंदौर से है। इंदौर प्रतिनिधि, हिंदू किशोरियों के अपहरण और दुष्कर्म के मामलों ने हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर दो किशोरियों को बरामद कर लिया है। इसमें से एक किशोरी को 30 वर्षीय युवक ले गया था, वह गर्भवती भी हो चुकी है। एक युवती अभी तक लापता है, जिसे तलाशने पर हिंदूवादियों ने 51,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। कंगना की फिल्म भागड़ रही फ्लॉप, 8वें दिन कमाई मात्र 4,420 रुपए, फिल्म के सिर्फ 20 टिकट ही बिके। टीम इंडिया ने शनिवार शाम एशिया कप हॉकी के सुपर 4 मुकाबले में जापान को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही लीग मैच के दौरान मिली हार का हिसाब चुका कर लिया। लीग मैच में जापान ने भारत को 2-5 गोल से हराया था। भारत की तरफ से पहला गोल मनजीत सिंह ने किया। चलिए आज के लिए हम चलते हैं, कल आपसे वापस मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।